दूसरा क्लास के पहले रोज आधा घंटा योग करना है, इसे कल भी अटेंशन दिलाया था मैंने आपको। क्लास के पहले जहां जहां भी आप सेंटर पर जाते हैं, वहां सेंटर पर जाने से सेंटर पर अमृत वाला करो घर में, उसके बाद सेंटर पर जाओ और मुरली से पहले आधा घंटे का क्या करना है, योग। कौन कौन करता है जो रोज मुरली के पहले आधा घंटे का योग करता है, वो हाथ खड़ा करो। बहुत कम है, बस मुश्किल से 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मुझे लगता है संगठन का योग आपको कब मिलता है, कब मिलता है? केवल क्लास के पहले का योग हमारा संगठन का योग मिलता है। तो आज से एक दृढ़ संकल्प लो इस भट्टी से, मुझे रोज क्लास के पहले 5 मिनट 10 मिनट वो गिना नहीं जाएगा, बिल्कुल आधा घंटा चाहिए। और उसके लिए आप कोई बहाना नहीं बनाओ, आज ये बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो बहाना करेंगे, नहीं नहीं ये वायरस तुम जाओ, अब मुझे मैंने योग नहीं किया, नहीं किसी से वो महाकाल है, अगर कोई मौत आता है उस समय वो व्यक्ति कहता है मैं खाना नहीं खाया, खाना खा के भी जाऊंगा, तुम्हारी इधर गिट्टे यहीं छोड़ चल पहले। इसलिए ये समय चल रहा है नाजुक, इसलिए अब हमें ये जरूरी चीजें उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है, हमें रोज क्लास के पहले जाकर के आधा घंटा योग करना है। क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर सेंटर का वायुमंडल आप अच्छा बनाओ लोग अपने आप भागे हुए आएंगे सेंटर पर। अगर अंधेरे में कोई दीपक जल रहा है तो सबका ध्यान कहां जाएगा, वो दीपक की तरफ जाएगा। इसी तरह ये सेंटर क्या है, इस संसार रूपी अंधकार में एक दीपक है, तो इसलिए ये दीपक को प्रज्वलित करने के लिए योग तपस्या चाहिए। सेंटर पर आकर के हमें वायुमंडल को कभी खराब नहीं करना है, किसी के दोष देखेंगे, परचिंतन की बातें करेंगे, यहां कोई देहभान की बातें करेंगे, राजनीति करेंगे, सेंटर का वायुमंडल खराब होगा। तो सेंटर है बाबा, सिवाय ज्ञान योग के हमें कोई भी बातें नहीं करनी है, कोई धंधे दौरी की भी बातें नहीं करनी है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहे हैं, तुम्हारा क्या हुआ, वो कोई लेना देना नहीं, हम कोई बिजनेस की बातों के लिए नहीं आ रहे यहां। इसलिए सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाओ और उसका आधार है क्लास के पहले का योग। तो कल से आप सभी ने दृढ़ संकल्प लेना है, हम रोज क्या करना है, आज से बिल्कुल क्लास के पहले योग लगाना है। उसके लिए सारी बातों को छोड़ करके एक साल तक 2020 दिसंबर 31 तक हमें ये योग जरूर करना है। आज से देखो आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। पल पल संभाला है।